आपको पता ना हमारे गेस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, खोल दें फ्रेम जी, खोल दें, आए मिलाते हैं इनसे। कौन है जी हमारे साथ? हमारे साथ किसी तारीफ के मोहताज नहीं, मोमिन साके एंड बिलाल बिन साके, बोथ आर ब्रदर्स। बड़े बिलाल हैं, छोटे हैं मोमिन। और जल्दी से पहले बिलाल के बारे में आपको बता दें जी, मास्टर्स कर रहे हैं, बड़े जहीन है माशाल्लाह, मतलब इनकी वीडियोज तो हमने देखी है, वी नो देम, वी थिंक वी नो देम लाइक दैट, बट देयर इज अ लॉट मोर टू देम। बिलाल जो है वो मास्टर्स कर रहे हैं, एलएससी में पोस्ट ग्रेजुएट ऑफिसर है, ही रिप्रेजेंट्स 70% ऑफ द स्टूडेंट्स ओवर देयर, ट्रस्टी एट एलएससी एज वेल, फाउंडर ऑफ तैयबा ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में भी हम H2O व्हील एक चीज है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। एंड मोमिन साकिब जनाब, आप इनके टैलेंट का पावर हाउस हैं ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा किंग्स कॉलेज में पढ़ते हैं, लंदन में फर्स्ट नॉन यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ किंग्स कॉलेज हैं। 144 साल किंग्स कॉलेज की तारीख में यकीनन पाकिस्तान के होनहार तालिबे इल्म जब इन जगहों पर पहुंचते हैं और इन ओहदों पर पहुंचते हैं और इस तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा सीना भी हमारी छाती जैसे कहते हैं ना चौड़ी हो जाती है और हमारा खून बढ़ जाता है। नीडलेस टू से बोथ आर क्रेजी अबाउट क्रिकेट, मतलब बिल्कुल उतने ही जुनूनी है क्रिकेट के बारे में जितने शायद हमसे, हम जैसे, लेकिन हमसे ज्यादा, क्योंकि माशाल्लाह इनकी वीडियोज जो है वो वायरल हुई है, जो जो इंडिया पाकिस्तान पहले, आपको याद है ट्रॉफी में जो वीडियो वायरल हुई थी, चैंपियंस ट्रॉफी में हुई थी, जियो से ही हुई थी, जियो से ही हुई थी और गालिबन हम उन इतने जज्बाती हो गए थे, हम सैरी में शो करते थे उस वक्त और हम ही ने चलाई थी सबसे पहले। बिल्कुल, अच्छा मोमिन आपसे स्टार्ट करती हूँ, ऑल्दो बिलाल बड़े हैं लेकिन वो उस वीडियो की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बता दें जब हमने वो वीडियो देखी फिर इस साल हमने वीडियोज देखी, मुझको तो ऐसा लगा और बहुत से लोगों को कि दिस इज एन एक्ट, क्योंकि इतना जज्बाती ओवर एक्टिंग करके ड्रामा करना, मतलब वो और बड़ा अच्छा था, कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन वाज इट एन एक्ट या फिर आप वो रियल था? देखिए मैं वैसे ही एक्सप्रेसिव आदमी हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं जो बचपन से मेरे साथ है, मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ और इसी तरह जब हम जीतते हैं, आपने देखा था चैंपियंस ट्रॉफी में मैं बहुत एक्सप्रेसिव था, हमने दिल खोल के सीना फाड़ के अपने इमोशंस दिखाए और अपनी टीम की जीत में खुशी मनाई। इसी तरह जब टीम हारती है, एक प्यार मोहब्बत के रिलेशनशिप में जब आपकी टीम हारती है तो आपको दुख भी होता है, लेकिन उसमें फिर हम जी कंस्ट्रक्टिवली उस पर क्रिटिसिज्म भी करते हैं, ताने भी दे देते हैं कुछ, वो तो हमारा लॉरियों का खासा है, थोड़े से मैंने बिल्कुल बिल्कुल हमारा अपने आप को भी ताने उनकी एक्टिविटी पे जो उनकी फिटनेस वगैरह अफेक्ट करे, इंडिविजुअल पे कभी नहीं। तो जहां तक ताल्लुक है सवाल का कि इसमें कितनी परसेंट एग्जैजरेशन थी, शायद थोड़ा सा कह सकते हैं एक लाइट ह्यूमर इन्वॉल्व हो, लेकिन मोस्टली वो हमारे इमोशंस है, क्योंकि क्रिकेट का मैच मिस ही नहीं करते कोई, स्टेडियम में हम हमेशा होते हैं अपनी टीम को एवरी टाइम एवरी टाइम, और पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी आपने सुना होगा कि 80-90% इंडियंस थे और पाकिस्तानी काम थे, बट वी ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। अच्छा एंड आई विल टेल यू, ओके फुट नोट, मैं इनसे इसलिए भी पूछ रही हूँ कि वो एक्ट था या ड्रामा था क्या है, क्योंकि माशाल्लाह जो आपके भाई है ना उनके जो रिएक्शंस होते हैं ना पीछे आपके खड़े होते हैं उनको देख के लगता है कि एक ड्रामा है, बिकॉज़ ये आपकी ऐनक उतार रहे होते हैं, आपके आंसू साफ कर रहे होते हैं, तो फिर वो सारा सिनेरियो जो है ना वो सामने आ जाता है। दिस इज ऑल इंप्रॉम्प्टू ऑब्वियसली, इट्स स्पॉन्टेनियस, बट आई थिंक ऑन अ लार्जर पार्ट आप ये देख सकते हैं कि परहैप्स हिस्टोरिकली वी हैव 100% सक्सेस रेट ऑफ गोइंग वायरल, सो मे बी वी क्रैक अ कोड कि किस तरह जाना, विच इज वेरी पावरफुल। सो दैट सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर टू नोटिस इज टू गो वायरल, नो इज टू डू समथिंग व्हिच पीपल वुड अप्रिशिएट एंड पीपल विल कनेक्ट विद, नो एंड आई थिंक डूइंग समथिंग विद व्हिच पीपल कैन रिलेट। मेरी वीडियो वायरल क्यों हुई, लोगों को लगा कि मेरे थ्रू उन सब के इमोशंस डिपिक्ट हो रहे हैं, जब मैं बहुत खुश था लोगों की भी उस लेवल की खुशी थी, क्या पता अपने घर में कोई इसी तरह का रोला रप्पा डाल रहा हो, जज्बात में पागल हो रहा हो, क्या पता मैच हारने के बाद लोग इतना इमोशनली इन्वेस्ट होते हैं कि 1-2-3-4 दिन तक काम पे जाते हैं, लोग मेंटली अफेक्ट रहते हैं, लोग इतना अफेक्ट होते हैं हम जब हारते हैं जीतते हैं, तो आई थिंक लोग रिलेट कर पाते हैं वीडियो के साथ, जिसकी वजह से वीडियो इस लेवल पे, जो इमोशंस का पावर हाउस है, जो कि आपसे गुफ्तगू करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर बाद आप यहाँ आके मेरे से बात ना करने लग रहे हैं, इधर बैठ के ना आप शुरू कर दें, ये कभी कभी हर सूरत हाल हर सिचुएशन में काम आ जाता है या किस कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे यू हैव टू होल्ड योरसेल्फ बैक? इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, माहौल कभी उल्टा भी तो पड़ सकता है ना, माहौल पे डिपेंड करता है सिचुएशन के मुताबिक। अगर आप ऑब्वियसली किसी एकेडमिक मीटिंग में है जहां पे आप कोई एकेडमिक्स के साथ कोई चीज डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे एक डिफरेंट आपका तरीका होगा, आप मैच देख रहे हैं जिसमें आप इतना इमोशनली इन्वेस्टेड है, उसमें जब खुशी मनाऊंगा तो मैं इस तरह तो नहीं कहूंगा ना बड़ी खुशी हुई है जी जीत गया, ऑब्वियसली आई एम हैप्पी मेरी टीम जीती है, मेरा मुल्क की टीम जीती है, फॉर इंस्टेंस अगर हार गई है तो ऑफ कोर्स उसका भी गम होगा सिचुएशन पे, बट लेट्स सपोज यू आर इन योर यूनिवर्सिटी एंड ऑब्वियसली माशाल्लाह आप प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटिंग ऑल दी स्टूडेंट्स हैं,
आप बड़े इमोशनल हो जाएं किसी बात में, मतलब उधर आपको ये एहसास होगा कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू गो वायरल और वट एवर, ये मेरी जात है और यहाँ मेरे अपने कंटेम्प्रेरीज हैं. इट्स व्हाट इज द रियल यू. इट्स नॉट अबाउट गोइंग वायरल. आई टोल्ड इट्स अबाउट द सिचुएशन दैट यू आर इन. अब यूनिवर्सिटी की अगर किसी मीटिंग में ऑब्वियसली मैं क्लास में बैठा हूं, मैंने अपने प्रोफेसर से कोई सवाल पूछना है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा सर इसकी समझ नहीं आई. ऑब्वियसली सर वो मेरे आपके वीडियो से लगता है कि आप इसी तरह पूछेंगे. हां, या फिर आप घर आते मां मैं आ गया. लेकिन आप मुझे बात बताएं, आप लोग पाकिस्तान क्रिकेट जब पाकिस्तान इंडिया के साथ खेल रहे हैं, आप लोग इमोशनली ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं होते किसी नॉर्मल चीज़. हाँ, लेकिन यू आर फिल्म होते हैं. यू आर फिल्म. आई एम मोर एक्सप्रेसिव, आई एम मोर हाइपर 24/7. अच्छा, बाय द वे डिस्क्लेमर इधर हम दे दें, हम बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करें. वी आर एंजॉयिंग दिस कन्वर्सेशन. आई लव क्रिटिसिज्म, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू इंप्रूव. नहीं, हम क्रिटिसाइज तो कर ही रहे हैं, अभी तो उस पे हम आएंगे. हां, बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए. साफ सवाल पूछना. हां, उस पे हम बात करेंगे. मेरे हिसाब से एक्सप्रेसिव होना बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इतना टाइम लगा के, हम ट्रैवल करके गए, टाइम इन्वेस्टमेंट है, मनी इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, और अगर नहीं है तो यू नो. अच्छा, मुझे बताइए, व्हाट आर यू ट्राइंग टू नॉट, यू आर नॉट, आपने छोटे भाई को करने के लिए ये काम दिया हुआ है कि, और आप पीछे से संभालते हैं सिचुएशन. बिल्कुल, माइक के आगे तो एक ही बंदा हो सकता है. मुझे लगता है कि यू हैव लेटर जॉइंड द ग्रुप. नहीं नहीं, आई हैव ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द ग्रुप. अच्छा, मुझे लगा बिकॉज़ ऑब्वियसली वी न्यू मोमेंट सिंस डे 1. एक और चीज है, मैं अगर अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा हूं, इससे मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा. बिल्कुल नहीं. हाँ. तो फिर इसमें इशू क्या है? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है. अब मुझे बता दें, एक मिनट मुझे पूछना है, डू यू प्लान टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट? अगर यहाँ पे आपको वायरल होना मकसद है, What are you trying to achieve? वायरल होना मकसद नहीं है. मैंने जो बोला कि हम एक्सप्रेसिव इतने होते हैं, पीपल कनेक्ट मकसद है क्या? नहीं नहीं नहीं, हम तो एक्सप्रेसिव होते हैं और वो पीपल कनेक्ट, पीपल एंजॉय इट, एंड देन यू नो. शोहरत अल्लाह ने देनी है, अल्लाह ने लेनी है. इंसान शोहरत में कुछ कर नहीं सकता. ये हम तो अब देखें, क्योंकि आप लोग शायद हमें जानते नहीं है. दिस इज हु वी आर. This is how I am 24/7. अगर मेरे दोस्त होते बचपन के, तो आप इसमें मेरे साथ कॉन्वर्सेशन ही ना करते. आप मुझे कॉल करके कहते हैं मैं तुझे जानता हूँ. अब मुर्तजा भाई, आपके जो रिपोर्टर है, वो इस बात पे बैन कर सकते हैं कि सब स्पॉन्टेनियस और मोमेंट ऐसा है. अच्छा, अब मैं आपको बताती हूं कि जो हम आपसे सवाल कर रहे हैं वो हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हुआ ये है, उसके बाद फिर आपने सैफ अली खान, इंडियन बॉलीवुड के एक एक्टर हैं, उनके साथ भी बनाई, जिस पे मुझे बड़े एतराज थे, क्योंकि इस तरह कोई पब्लिक फिगर जा रहा और उसके पीछे पीछे इस तरह चलना, मतलब पर्सनली आई डू नॉट लाइक दैट एट ऑल. बट हुआ ये कि आपसे फिर मुतासर होके और लोगों ने कुछ लेवल ऑफ बदतमीजियां और नॉचेस नीचे जाके कुछ वीडियोस बनाना शुरू कर दी, और लगा कि एक क्लीन चिट मिल गई है, एक क्लीन चिट मिल गई है कि पहुंचो सरफराज की गोद में बच्चा भी है. इतना मशहूर हो गया, अब मैं भी ये करूंगा तो मैं. हमें ऐसा लगा कि इट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी. ये तो खैर इनकी नहीं है, लेकिन इस वीडियो की हम बात कर रहे हैं. कहने का मतलब ये है कि जब हम पब्लिक पे आ जाते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ आ जाती है, एंड देन वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि वी आर वन और हमें अपनी लिमिट पता है, वी आर पुशिंग आवर लिमिट. लेकिन वो जो 10 बच्चे हमें देख रहे हैं, दे विल पुश द लिमिट सो मच फर्दर और उसको कहीं और ले जाएंगे. अब इसमें दो बातें हैं. पहली बात, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो जिसमें मैं ये सारी बर्गर पीसों वाली बात कर रहा था, उस वीडियो के दौरान एक इंसान ने ना ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज करने की कोशिश की थी अगेंस्ट सरफराज, और उस वीडियो के दौरान जो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुई है, जिसको मैंने उसी वक्त उसको रोका और मैंने कहा हमने अगर अपनी टीम को क्रिटिसाइज करना है, हमने कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करना है, हमने डिस्ट्रक्टिवली उनकी इंडिविजुअल पर्सनल अटैक्स नहीं करने. पहली बात की होगी. दूसरी बात ये होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो मुझसे इन्फ्लुएंस हुआ है, लेकिन हो सकता है. तीसरी बात, जब ये वीडियो निकली उसी वक्त मैंने वीडियो निकाली जो सोशल मीडिया पे विद इन 2-3 आवर्स उसको 100,000 व्यूज मिले. अच्छा, और मैंने बोला कि ये निहायत गलत चीज़ है किसी को इस तरह बोलना. हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे क्रिकेटर्स जब नेशनल टीम में जाते हैं उनको कोई ट्रेनिंग मिलती है पर्सनल या पब्लिक से डील करने की. पता नहीं सरफराज पे इस चीज का कितना इफेक्ट रह गया हो. उस इंसान ने एक्साइटमेंट में बोला, जज्बात में बोला, वो सैफ वाला मामला क्या हुआ था, बिकॉज वी थॉट दैट वाज ऑफेंसिव. आप किसी स्टार के जो कि ग्लोबल स्टार है मुंह पे फोन लेके चढ़े हुए हैं. थैंक यू सो मच. अच्छा, सबसे पहले तो आई एम ग्लैड दैट यू हैव आस्क्ड मी द क्वेश्चन, क्योंकि आपने पहले ही डिस्कस किया. आई वुड हैव अप्रिशिएटेड कि अगर मुझे पूछा जाता, लेकिन इतना अच्छी आपकी जर्नलिज्म है कि यू आर आस्किंग मी, आप मुझे मौका दे रहे हैं अपना व्यू पॉइंट बताने का, एंड आई वुड अप्रिशिएट कि मुझे क्लैरिफाई करने का भी अभी मौका पूरा दिया जाए. आपने कहा यू थॉट दैट वाज ऑफेंसिव. अब 3-4 चीज़ें मैं इसमें जिक्र करना चाहता हूँ. मेरी फंडामेंटल फैमिली वैल्यूज हैं दूसरों को रिस्पेक्ट करना, बड़ों की इज्जत करना, वो कोई सेलिब्रिटी हो या कोई हाउसकीपर हो. नंबर वन. अच्छा, आई गो इनटू द डिटेल्स नाउ. 4 चीजें, उसके बाद आई गोइंग टू, मैंने वीडियो में एक्जैक्टली क्या क्या बोला, थोड़ा सा शॉर्ट रखना और हमें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा. क्विकली रखूंगा क्योंकि लोगों का एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है. ट्रोलिंग वीडियो देखी, शायद 90% लोग वीडियो देखते भी नहीं, स्टेटस डाल देते हैं, इंस्टेंट रिएक्शन थोरो नहीं करते. क्विकली, आई डिड नॉट शाउट एट हिम. ऑल माई फॉलोअर, दिस वीडियो वॉज मेड ऑन स्नैपचैट. ऑल माई फॉलोअर्स नो कि आई हैव अ माइक जिसमें सिर्फ आवाज मुझे आती है, और ये पहली दफा मैंने कॉमिक कॉमेंट्री नहीं की, मैंने पहले भी बहुत दफा किया. आई डिड नॉट अब्यूज हिम. 5 सालों से मैं सोशल मीडिया पर डेली स्टोरीज बना रहा हूँ, मैंने आज तक गाली नहीं निकाली. I did not touch him because I find it to my personal insult
to violate anyone's personal space. I did not shove the camera into his face because there were at least two people in between us. और उस वक्त भी कैमरा जूम था. अच्छा, अब मैं जाता हूँ वीडियो के अंदर exactly क्या क्या मैंने बोला. मैंने बड़े लोगों से पूछा आपको क्यों offensive लगी. उन्होंने कहा बस लगी, कोई point नहीं था. मैं वीडियो की डिटेल में चला जाता हूँ. पहली लाइन मैंने बोली, अच्छा सैफ को मेरे कॉमेंट्स रजिस्टर भी नहीं किए ना उसने हेयर किए फॉर अ फैक्ट. अब मैं वीडियो के कॉमेंट्स में जाता हूँ. पहली बात मैंने बोली, इंडियन टीम के 11th प्लेयर वाटर बॉय आ गए. सैफ मैच के स्टार्ट में आते तो दी ऑब्वियस थिंग दैट वुड हैव कम टू माय माइंड, मैं कहता कि इंडियन टीम के प्लेयर आ गए हैं क्योंकि वो 15-20 ओवरों के बाद आए. तो दी ऑब्वियस थिंग दैट केम टू माय माइंड वाज टू से अब ये आए हैं एज 11th प्लेयर वाटर बॉय खेलेंगे. और वाटर बॉय होने में भी कोई बुरी बात नहीं है. क्रिकेट के बड़े बड़े सितारे वाटर बॉय रहे हैं. दूसरी बात मैंने बोला, इन्होंने अपनी फिल्मों में हमारे बहुत बंदे मारे हैं. मैं आपको बोलूँ ना आई लव यू और मैं बोलूँ आई लव यू, कॉन्टेक्स्ट का फर्क है. वीडियो में क्लियर नजर आ रहा है कि मैं हंस रहा हूँ और कोई भी अगर एजेंट विनोद और फैंटम देखे ना तो वो कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करके मेरे साथ हंसेंगे. दे वुड टेक द पन एज स्टेटेड और इंडियंस हंसे हैं मेरे साथ. चौथी बात मैंने बोली, मुझे लगता है आज उन्होंने अंदर खाते पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करना है. दिस इज जस्ट रियल बैंटर, इसमें कुछ ऑफेंसिव नहीं है. मैं ऐसे मुझ से आता हूँ जहाँ मलाला यूसुफ जई जैसे लोग हैं, जहाँ इतने रिस्पेक्टफुल लोग हैं, मैं इतने इनिशिएटिव्स पे काम करता हूँ जहाँ पे पीस प्रमोट होता है पाकिस्तान इंडिया के बीच में. दो जल्दी मैं क्विकली चीज़ें कर दूँ. किंग्स कॉलेज में हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है किंग्स कॉलेज लंदन इंडिया पाकिस्तान डेवलपमेंट फोरम, जहाँ पे हम ऐसे इश्यूज पे काम उठाते हैं जो पाकिस्तान इंडिया में कॉमन है, हंगर, पावर्टी. मैंने पहला इवेंट उनका होस्ट किया. अभी लंदन जब अरेस्ट हुआ सबसे पहले मैंने इमरान खान से पहले वीडियो बनाई कि ट्रीट हिम विद रिस्पेक्ट एंड रिलीज हिम. बहुत से मेरे पाकिस्तानियों ने मुझे कहा ये तुम क्या बातें कर रहे हो, इमरान खान डिड द सेम थिंग. तो मुझे पॉइंट समझ नहीं आता कि कहां पे लोगों को ये वीडियो ऑफेंसिव लगी. सैफ ने मेरे कमेंट्स में, आई विल टेल यू कहां लगी. हां मुझे आप बताएं क्योंकि आई एम आल्सो वन ऑफ द स्पेक्टेटर्स. प्लीज मुझे बताएं देखी थी वीडियो. द फैक्ट दैट यू वर फॉलोइंग हिम, आई वाज जस्ट वेरी क्विक, सॉरी, द फैक्ट दैट यू वर फॉलोइंग हिम, नंबर 1. ऑब्वियसली वी डोंट नो कि वो आपको उनको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, वो तो अब आपको बता रहे हैं. बट चलिए ये प्लीज आप मुझे क्लियर कर दें ताकि मैं उसका रिस्पांस दे दूं. आई वाज फॉलोइंग हिम. वी हैव टू क्लोज दिस जल्दी जल्दी से. मेरे आप जब सेलिब्रिटी होते हैं ना, करीना कपूर अगर कहें ना मुझे दिन के 1000 मैसेज आ रहे हैं, तो उन्होंने इस पब्लिक प्रोफाइल में एक एक्सेप्टेंस दिया कि शी इज रेडी टू लिव दिस लाइफ. मेरे साथ उनको कितने ज्यादा लोग फॉलो कर रहे थे, मेरे बीच में बड़े लोग थे. तो एक सेलिब्रिटी जो होता है ना वो इस चीज पे साइन करता है. जब मैं सेलिब्रिटी हूं तो इंटरेस्टेड इन माय लाइफ. दिस इज व्हाट वी वांटेड टू आस्क यू. बॉटम लाइन ये है कि बहुत खुशी हुई इन दोनों से मिलके और ये जान के कि माशाल्लाह मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता. अगर मुझे लगे ना कि मोमेंट हम खत्म कर रहे हैं, अब होना भी यही चाहिए. आपका वो दुखर का इनिशिएटिव है उसको हम जरूर जाते जाते अप्रिशिएट करना चाहेंगे. वो जो एचटीओ व्हील इन्होंने बनाया है जिसमें आपने देखा है थर पे मटके सरों पे रख के खवातीन पानी कई कई मील सफर तय करती हैं. उन्होंने पहिया सा बना दिया. कहते हैं कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना और उस लेवल पे पहुंचे हो तो बहुत सी चीजें माफ भी हो जाती हैं बिकॉज यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि आप वर्दी हैं, आप कुछ कर रहे हैं. इट्स सो गुड टू सी दीज यंग जेंटलमैन के ये जबरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं और ये तो दो हैं ही, इनकी एक बहन है वो ऑक्सफोर्ड में ऑलरेडी पढ़ रही है. तो माशाल्लाह पूरा घर ही माशाल्लाह. सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, मतलब डिस्पाइट व्हाट वी स्पोक अबाउट, बेस्ट ऑफ लक टू यू. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खासतौर पर आपका जो एनजीओ जबरदस्त है. और मोमेंट वी विल बी लुकिंग आउट फॉर यू. इंशाल्लाह आपकी और भी वीडियोस आएंगी. वी विल बी इन टच.